संत महापुरुष आपके जीवन में है कि नहीं, ये जांच करनी। भागवतिक मार्ग में चलने वाले उपासक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता करके उनकी संगोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए। आप मान बैठेंगे अपने को भगवान, अपने को ईश्वर, अपने को अवतार मानेंगे, तो आप जो अवतार है ना, ईश्वर है ना, भगवान है, उनसे विमुख हो। किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। दूसरों को मान देने का स्वभाव रखना, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न हो। संत महापुरुष आपके जीवन में है कि नहीं, ये जांच करनी। अगर किसी संत को आदर्श मानकर आप नहीं चल रहे हो, वो मनमानी आचरण केवल सिद्ध बनने के लिए कर रहे, उनके आचरण ऐसे कि भोले भाले लोग ये समझे कि ये तो सिद्ध है। पूरा कोरा, जैसे नाटक मंच पर नाटक किया जाता है ना, पूरा दिखाई देता है, पूरा नाटक। क्यों? क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं, कोई आदर्श नहीं है महापुरुष जीवन में। वो जो मन में आवे सो बोलो, जो मन आवे सो नाटक करो, तो 100-200-500 लोग भोले भाले, जिनको ककहरा नहीं आता परमार्थ का, वो कह देते मेरे भगवान, मेरे सिद्ध योगी, मेरे महापुरुष, मिटिया मेट कर देते। अपने मन से कुछ नहीं होता, जिसे महापुरुष पास कर दे वही होता है। संत महापुरुष कह ठीक चल रहे हो, ठीक है, जीवन में तुम्हारे संत है कि नहीं, बस इतनी बात देखो। भागवतिक मार्ग में चलने वाले उपासक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता करके उनकी संगोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। सांसारिक पुरुषों की जो वृत्तियां होती हैं, उनमें बड़ा आकर्षण होता है भोगों का, प्रपंच का। जो साधक भ्रमणशील हैं, अगर वो गृहस्थों के यहाँ जाकर उनकी सैयाओं पर सोते हैं, तो उनकी दुर्दशा क्या होती है चित्त की, वो खुद अनुभव करके देख ले। सांसारिक पुरुषों के समुदाय में बैठना था, वो तुम्हें भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, अवतार कहेंगे, उनको कुछ ज्ञान नहीं। आप मान बैठेंगे अपने को भगवान, अपने को ईश्वर, अपने को अवतार मानेंगे, तो आप जो अवतार है ना, ईश्वर है ना, भगवान है, उनसे विमुख हो जाएंगे। अगर हम संसारिक पुरुषों का संग करेंगे तो कई तरह से हानि हो जाएगी। सत्संग हो रहा है, बस इतने जो चाहो बैठ जाओ। हमारा पर्सनल एकांतिक केवल गुरुदेव से संबंध है, और उनके द्वारा बताई हुई उपासना में हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। कोई हमारा मित्र नहीं होना चाहिए, अलग से संगोष्ठी नहीं होनी चाहिए विषयी पुरुष की, सांसारिक पुरुष की। किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। जब तुम्हें तुम्हारी निंदा होने लगे, प्रतिकूलता होने लगे, विपत्ति आने लगे, संकट सताने लगे, तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है पक्का। चमड़ी को चिकनी करके और अध्यात्म का प्रवचन करने में कोई कठिनता नहीं, लेकिन चमड़ी और दमड़ी का राग मिटा दे, फिर अध्यात्म की तरफ चले, ये किसी फक्कड़ महात्मा का कृपा पात्र ही होगा, जो फकीर होगा, जिसने विश्व की समस्त भोग वासनाओं को रौंद करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ऐसे महात्मा के संग के बिना अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ सकता, और देखने को मिल रहा है। जब तक हमें अध्यात्म का परिचय नहीं है, तब तक कहीं भी हम राजी हो जाते हैं। अरे राजी होने को तो टाकीज के सामने देखो जाके, हजारों की भीड़ लगती, लाइन में खड़े होते, पैसा देते हैं, और क्या देखने जाते हैं, झूठा तमाशा। उनको आप क्या कहोगे, ज्ञानी कहोगे, सत्संगी कहोगे? भीड़ का इकट्ठा हो जाना कोई अध्यात्म का चमत्कार नहीं होता। तो अध्यात्म का चमत्कार तो अंतर की वृत्ति का परिवर्तन हो जाना होता है, नहीं तो अगर एक नृत्य करने लगे ना, तो हजारों उसको देखने खड़े हो जाते हैं। ये अध्यात्म है, अध्यात्म। इसीलिए कह रहे हैं कि सांसारिक पुरुषों की संगोष्ठी में रति न करे, अपने मुख से कभी किसी की निंदा ना करना। निंदा व्यक्तिगत नाम लेकर के की जाती है,
सिद्धांत सार्वभौम वर्णन होता है। जैसे हम कह रहे हैं वो निंदा सिद्धांत के विपरीत आचरण में जो चलते हैं उनकी है, कौन है नाम नहीं है रूप नहीं है, सिद्धांत में चलना एक ये मार्ग, सिद्धांत से बिलक चलना ये पाखंड है। पाखंड और दंभ की निंदा होती और सत्य की कोई निंदा करे तो वो प्रकाशित होता है। सत्य निंदा से ढकता नहीं, जैसे कोहरा थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढकने का नाटक कर सकता है, लेकिन सूर्य जब प्रकाशित होगा तो कोहरे की धज्जियां उड़ जाएंगी। मान लेने की इच्छा का त्याग करके अपने समीप जो भी आवे छोटा बड़ा सबको प्यार और मान देना, दूसरों को मान देने का स्वभाव रखना चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न हो। ये नहीं कि धनी मानी बड़ा आकर के धन राशि दे रहा है तो उसका सम्मान हो रहा है और छोटा प्रणाम कर उसकी तरफ देखा भी नहीं जाए, नहीं, बच्चे से लेकर कोई भी सबको एक ही प्यार की दृष्टि से देखना, भगवत भाव से देखना, अपने को मान रही तो और दूसरों को मान देने का स्वभाव बना देना, अपनी इंद्रियों को सदाचार परायण रखना। इंद्रियां इस सदैव व्यभिचार की तरफ भागती हैं, नेत्र व्यभिचार दोष बार बार दूसरों के प्रति देखना आकर्षणकारी, कैसा भी दोष अंदर का भाव हो नेत्र दोष, दूसरों की बातें सुनना श्रवण इंद्रिय दोष, वाणी से दूसरों की चर्चा करना वाणी, ऐसे हर इंद्रिय अपने व्यभिचार में जाना चाहती है। सदाचार परायण उपासक होता है। अगर उपासक में सदाचार इंद्रियों की पवित्रता नहीं है तो ढकोसला किसी वक्त कुछ नहीं रहेगा, ये अच्छे से समझ लो। अपना मन अपनी इंद्रियां यदि संयम में नहीं है सदाचार में नहीं है तो ढकोसला ही है, आडंबर ही है, नाटक ही है, पक्का समझ लीजिए। अगर वो संयम ही नहीं है, जितेंद्री नहीं है, मनोनिग्रह नहीं, तो अध्यात्म क्या है, क्या प्रवचन हो रहा है, किस बात का प्रवचन हो रहा है, जो अनुभव हुआ उसका हो रहा है, शास्त्र सम्मत हो रहा है, जितेंद्रियता नहीं, इंद्री निग्रह नहीं, मनोनिग्रह नहीं। सदाचार संयम जितेंद्रियता मनोनिग्रह साधक में होना ही चाहिए। जो साधक एकांत में मनोरंजन करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अच्छा होता गृहस्थ धर्म में रहते, बाल बच्चे पैदा करके मेहनत करके धर्म पूर्वक कमाते और समाज की सेवा करते। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया, ध्यान रखना, सर उठाने लायक नहीं रह जाता। अगर इंद्रिय जन्य भोगों का आकर्षण नष्ट कर दे तो अपना मन अपने को जलाता रहता, धिक्कार देता रहता, कैसे हो गया ऐसा, कैसे हो गया, कीन हो इसका वह अभिमाना सुख हो वंचा कृपा निधाना, कहीं अभिमान हो गया कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं मनोनिग्रही हूं, तो ठाकुर जी ने दाना फेंक दिया, देख वाला मनोनिग्रही है तो मत चुन। किसी भी पद को साधक कभी स्वीकार न करे, समाज में बड़े पद मिलते हैं, यहां भगवत प्राप्ति की वार्ता हो रही, किसी भी पद किसी भी सम्मान को स्वीकार न करे, ये सब उपाधियां हैं, अगर उपाधियां स्वीकार की तो उपद्रव शुरू हो जाएंगे, कोई उपाधि स्वीकार न करो तो इतने महान मत जाओगे कि पूरे विश्व में तुम ही होगे, ये भी बात याद कर लो। कोई भी छोटी मोटी उपाधि स्वीकार की तो उस महान को नहीं प्राप्त कर पाओगी, विश्व में तुम ही होगे, या तो ज्ञान में तो एक तुमसे बड़ा कोई है नहीं, अगर भक्ति में तो तुमसे छोटा कोई नहीं, तो विश्व में तुम ही तो हुई है ना, सब बड़े और आप छोटे, विश्व में आप प्रणादपि सुनिचेन, और ज्ञान तो हम ब्रह्मास्मि, सबको समेट लिया अपने में, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं, ये है उपाधि रहित महापुरुष की स्थिति। हम अपने जीवन में चाहे कितनी भी अच्छे कर्म कर लें, कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, लेकिन जब तक हम कुछ बातों का पालन नहीं करते तब तक हमें उसका शुभ फल नहीं मिल सकता। इस प्रवचन में श्री गुरु जी ने जो नियम बताए हैं उन्हें अपनाकर आप अवश्य ही इसका लाभ उठाएंगे। श्री गुरु जी के इस प्रवचन से हुए अनुभव को आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे परिवार के साथ व्यक्त कर सकते हैं, और राधे राधे लिखना मत भूलना। श्री गुरु जी के मुखारविंद से
हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ही होती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।